Assalamu alaikum to all students. Hope you are fine. Today is lecture number 21 of 10th class General Science, unit number 6, Environment and Natural Resources. Today, hopefully, we will end our chapter, this chapter. Today's topic is 6.16. Marine resources means what kind of sources have from marines from sea. Okay, Pakistan has a vast coastal area about 700 kilometer in length. The Arabian Sea is considered a warm water canal. It links up Pakistan through marine trade routes with international seaports. Okay, that marine trade that is linked with Pakistan that is considered as a international seaport. The sea is valuable resources of food, minerals, ornamental items, magicals, and plant. Okay, that is valuable for different things, for example food, for minerals, for ornamental items. Ornamental items like artificial items, sajavati items, medicals, and plants. Source of food, that is one type of food, source of food is fish. The sea along coastal areas are a great source of food. About 400 varieties, including famous varieties like herring, tuna, sardine, shrimp, and salmon are found in this area. The fish and fish products like cod liver oil are used locally, and a part is exported to earn foreign exchange to improve the fisheries activities. Government is taking a number of measures, including establishment of training center, हैचरी कम्प्लेक्स. ओके, अब ये जो मैरीन एरिया है इसमें बहुत सी वराइटीज की, तकरीबन मोस्टली अबाउट 400 वराइटीज, जो कि बहुत ही फेमस में, जिनमें फेमस हरोन, ट्यूना, सर्डाइन, श्रिम्प एंड सलमन आर फाउंड इन दिस एरिया. ये उनमें से जो 400 वराइटीज है उस उनमें से चंद एक जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं. ठीक है, उनसे फिश और फिश प्रोडक्ट्स हासिल की जाती हैं जो कि एक्सपोर्ट भी की जाती हैं. और उसके अलावा गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स भी ले रही है इसके इम्प्रूवमेंट के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके. इट इज़ अपग्रेडिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फिशरमैन्स कम्युनिटी. अ लार्ज नंबर ऑफ सी प्लांट्स एंड एल्ची इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्राम द सी. ओके, समंदर से फिशेज और फिशेज प्रोडक्ट के अलावा बहुत से समुद्री पौधे, सी प्लांट्स एंड एलजी, और उसके अलावा एलजी भी हासिल की जाती है समंदर से. सी मिनरल्स, सी वाटर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ मिनरल्स. इट इज एवेपोरेटेड टू ऑब्टेन टेबल साल्ट. It is also consist of different other salts like magnesium sulfate, potassium sulfate, sodium sulfate, etc. These salts can easily be recovered from seawater. A very important metal, magnesium, is commercially obtained from seawater. Bromine and iodine are also obtained from seawater. It is estimated that 1 cubic kilometer of seawater consists of 12 tons of mixture of salt. Okay, अब समुद्री पानी से हम क्या और हासिल कर सकते हैं? Salt बहुत सी किस्म का, जिसमें लाइक मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, ये हासिल कर सकते हैं. और उसके अलावा ब्रोमाइन, ब्रोमीन, आयोडाइन, वो भी हासिल कर सकते हैं. और एक आम तौर पे हम कितना नमक हासिल कर सकते हैं समंदर के पानी से? अबाउट 1 क्यूबिक किलोमीटर. 1 क्यूबिक किलोमीटर
मीन्स क्यूबिक में 1 किलोमीटर लेंथ वाइज, हाइट वाइज, ठीक है, एंड ब्रेथ वाइज, लंबाई चौड़ाई और हाइट। एक क्यूबिक आपने मीन्स के एक डब्बा कह दें, स्क्वेयर टाइप क्यूबिक, जिसे आप डाइस कह दें, ठीक है, डाइस। अगर 1 किलोमीटर में कितना साल्ट होता है? 12 टन ऑफ मिक्सचर ऑफ साल्ट, 12 टन, ठीक है। ऑर्नामेंटल आइटम्स, सी इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ऑर्नामेंटल आइटम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूज बाय पीपल फॉर ऑर्नामेंट्स। कोरल्स आर फेमस फॉर मल्टी कलरेशन। मल्टी कलर प्लांट्स आर यूज फॉर इंटीरियर डेकोरेशन। स्किन ऑफ सेवरल सी एनिमल्स आर यूज फॉर मेकिंग फीमेल पर्स, कोट्स, शॉल्स, गारमेंट्स एंड अदर ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट्स। ऑर्नामेंटल आइटम्स मीन्स के कोई भी सजावटी प्रोडक्ट्स हैं। अब सी समंदर में मौजूद बहुत से सोर्स, जैसे कि सीपियां होगी, कोई समुद्री जानवर हो गए या फिर पौधे हो गए, उनको ऑर्नामेंटल आइटम्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। और कुछ एनिमल्स, उनकी स्किन से फीमेल्स के पर्स हो गया, कोट, शॉल, गारमेंट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाती हैं। मेडिकिनल प्रोडक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन सी आर यूज्ड एज मेडिसिंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे वर डेंजरस डिजीज लाइक कैंसर, एड्स आर बीइंग क्योर्ड बाय मेडिसिंस ड्राइव फ्रॉम मैरीन लाइफ। ओके, अब बहुत सी मेडिकल प्रोडक्ट्स हो गया समंदर में मौजूद, जो पौधे हैं या फिर और प्रोडक्ट्स, उनसे काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज मुमकिन है, जैसा कि कैंसर का, एड्स का। और पुराने ज़मानों में मीन्स कि पहले उस समंदरी जड़ी बूटियों से, पौधों से उनका इलाज किया जाता रहा है। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, नेक्स्ट टॉपिक इज 6.17, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ पॉपुलस कंट्री। इट्स पॉपुलेशन इज अबाउट 140 मिलियंस। एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज 3%, विच इज वेरी हाई। गिवन दिस रेट ऑफ ग्रोथ, पॉपुलेशन वुड बी डबल्ड इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। द राइजिंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन हैज क्रिएटेड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इट अफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट्स, पॉवर्टी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी डिस्कस्ड नाउ। ओके, अब पॉपुलेशन के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन 140 मिलियंस है, और ये एनुअली इसमें जो चेंज आ रहा है, 3% इंक्रीज हो रही है। अगर इसी तरह ये बढ़ती रही तो 20-25 सालों में ये डबल्ड हो जाएगी। अगर 140 है तो मीन्स कि 280 मिलियंस हो जाएगी, ठीक है। और इसका इफेक्ट ये होगा इन्वायरमेंट पे, कि इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट करेगी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो, और उसके अलावा गुर्बत और क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अफेक्ट्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन ऑन इन्वायरमेंट, अगर पॉपुलेशन में इजाफा होता है तो इसके अफेक्ट्स क्या है? राइजिंग पॉपुलेशन हैज अफेक्टेड द एनवायरमेंट बैडली। मैन इज पोल्यूटिंग एयर, वाटर, लैंड, हेंस एनवायरमेंट। इट इज डिस्टर्बिंग आवर इकोसिस्टम। ओके, अब पॉपुलेशन में इंक्रीज से बहुत सी चेंजिंग, जैसे पोल्यूटिंग एयर, मैन इज पोल्यूटिंग एयर, हवा, पानी और मिट्टी, तीनों चीज़ें, हमारा माहौल ख़राब होए जा रहा है। और इसके अलावा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इन इकोसिस्टम प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है, दैट दे डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, फूड एंड मेडिसिन एंड कंपाउंड्स विच आर वाइटल फॉर। अब इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, या हम ह्यूमन बींग्स, ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऑक्सीजन एज्यूम कर रहे होते, कंज्यूम कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, और आउटपुट और कार्बन डाइऑक्साइड
का खराज करते हैं, तो वो ही जो है वो प्लांट की जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड, बदले में वो ऑक्सीजन। और उसके अलावा प्लांट्स पे हम भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स भी, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट्स की मदद से डिफरेंट मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। एनिमल्स विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वुड डाई। प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड शेल्टर एंड हाइट टू एनिमल्स अगेंस्ट देयर नेचुरल एनिमीज। डेड प्लांट्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज बाई प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज अ प्रोसेस कैरिड आउट बाय अ ग्रीन प्लांट्स टू सिंथेसाइज फूड फॉर एंड फ्रूट्स। अब इसमें देखें वही सारा कुछ आ जाता है कि मैंने आपको जैसे बताया कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फॉर देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और बदले में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि हम हमारी ह्यूमन बीइंग्स, और उसके अलावा फॉर एनिमल्स डेट इज़ नेसेसरी, ठीक है। और अगर जो पौधे हैं वो मुरझा भी जाएं तो वो एज ए फॉसिल फ्यूल के तौर पे कारामद होते हैं। एनिमल एक्सक्रीटा आर यूज्ड एज मैन्योर फॉर प्लांट्स। डेड एनिमल्स डिकम्पोज टू प्रोवाइड बेसिक न्यूट्रंस इन सॉइल। इनफैक्ट ऑल लिविंग थिंग्स लिव टुगेदर लाइक अ कम्युनिटी। अ वाइटल बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ईच मेंबर ऑफ कम्युनिटी इन द इकोसिस्टम। माल फंक्शनिंग ऑफ एनी मेंबर ऑफ कम्युनिटी कैन डिस्टर्ब द लिविंग ऑफ अदर मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अवर पॉपुलेशन देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड्स एंड इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा एक चेन होता है, मीन्स कि सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड, इकोसिस्टम में पाए जाने वाले हर जानदार एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अगर किसी एक चीज़ में इजाफा हो जाता है और दूसरी में कमी आ जाती है, लाइक अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज आ रहा है और उसके बरक्स जो प्लांट्स हैं उनमें डिक्रीज आ रहा है, तो हमारी इकोसिस्टम जो है एक बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो जाएगी, ठीक है। ताज़ा हवा की, खुराक की, फूड की, ये सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए बैलेंस का होना, एक सारी चीज़ों के दरमियान बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर मींस के अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके साथ इकोसिस्टम में बैलेंस रहे, जो प्लांट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, मींस के उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया जाए, ना कि ये कि उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज किया जाए। मींस के उसकी जिस जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है उसी रेशियो के हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए ताकि इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। डिफॉरेस्टेशन मीन्स के जंगलात का कटाव। डिफॉरेस्टेशन मीन रिडक्शन इन द फॉरेस्ट एरियाज। पाकिस्तान हैज ओनली 5% लैंड कवर्ड विद फॉरेस्ट विच इज लेस देन द रिक्वायर्ड परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल 15% एंड बींग रिड्यूस बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। They are being cut by people to meet the requirements and needs of rising population. But there is no proper arrangement for the plantation of new forest. Deforestation is badly affected environment. Some of its effects are discussed below. Okay, deforestation कहते हैं means के जंगलात का कटाव, और पाकिस्तान में तकरीबन 5% जंगलात पाए जाते हैं, और जैसे कि तकरीबन 15% जो है वो डिक्रीज हुए ह्यूमन एक्टिविटीज पहले की नस्बत, 15% मजीद कमी आई है जंगलात में, ठीक है। क्योंकि ये क्यों ये ख़त्म हो रहे हैं, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, मीन्स के फर्नीचर बनाना और कुछ लोग ईंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि इसका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है और ना ही कोई नए पौधे लगाए जा रहे हैं जिससे इसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो कुछ इफेक्ट्स हैं वो नीचे डिस्कस्ड हैं।
Forests are main source of earning for our country. Deforestation has proven a great national loss. Deforestation has badly affected the climate, due to which annual rainfall has decreased. ठीक है, एक किसी भी मुल्क का मीन्स के फॉरेस्ट जो है एक तरक्की का निशान है, और अगर डिफॉरेस्टेशन मीन्स के जंगलात की कटाई हो रही है तो मीन्स के उसका नेशनल इंटरनेशनल तौर पे उसका उसको एक ग्रेट एक अच्छे किस्म का लॉस है, नुकसान। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारे इन्वायरमेंट में भी काफ़ी सारे चेंज आ जाता है। डिफॉरेस्टेशन एंड राइजिंग पॉपुलेशन आर बिकमिंग अ कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन मीन्स डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो काजिंग ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन मीन्स के जंगलात का कटाव ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, और राइजिंग इन पॉपुलेशन डेट आर ऑल्सो काजिंग ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर। Plants are main source of soil fertility. Deforestation has decreased the soil fertility. Forests control the floods and storm by decreasing the speed of water and air. Forests control land erosion. इसमें मज़ीद और फ़ायदे बताए गए हैं कि जंगलात के होने में क्या फ़ायदे हैं और ना होने से क्या क्या नुकसान है। अब प्लांट्स जो है एक एज ए फर्टिलाइजर के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा जंगलात का कटाव होगा मीन्स के फर्टिलाइजर की भी कमी होती जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा इनके और फायदे भी क्या हैं। फॉरेस्ट जो है जंगलात मीन्स के सैलाब के बहाव को रोकते हैं। ठीक है, कंट्रोल्स ऑफ फ्लड, उसमें कंट्रोल आते हैं, और उसके अलावा जमीनी कटाव को भी रोकते हैं, रोकथाम करते हैं। अर्बनाइजेशन, द माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन पीपल टू सिटीज इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। मीन्स के गांव के लोगों का पिंडी मीन्स की शहर की तरफ हिजरत करना अर्बनाइजेशन कहते हैं। इन पाकिस्तान अर्बनाइजेशन हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाई डे। Consequently, cities are expanding without any planning. There are many reasons behind migration of people to big cities. Some of which are reductions in the area of fertile land, reduction in the productivity of the land, non-availability of jobs, and non-availability of proper health facilities, non-availability of proper educational and vocational facilities. Attraction of amenities of the city life. अब बहुत सी वजूहत हैं, बहुत सी वजह हैं जिसकी वजह से गांव के लोग शहर की तरफ हिजरत करते हैं। वजह क्या है कि वहाँ पे मौजूद गांव में मौजूद सहूलियात का कम होना। ठीक है, ज़मीन में मौजूद प्रोडक्शन का कम हो जाना, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स और प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ का ना होना, अस्पतालों का ना होना, तालीमी इदारों का ना होना। ठीक है, और उसके अलावा शहर में बढ़ती हुई तरक्की जो कि उनको खींच लाती है शहर की तरफ। फ्रीडम फ्रॉम द मास्टरी एटीट्यूड ऑफ फ्यूजल लॉर्ड्स इन रूरल एरियाज मीन्स के वर्ड वर्ड एरिया राज होना। ठीक है, गुलामी का सिस्टम, prosperity of rural population by earning of foreign exchange from abroad, all these factors encourage rural population to migrate to big cities. This has increased the population pressure in big cities. ठीक है, ये सारी वजूहत जो मैंने डिस्कस की है, इस वजह से गाँव के लोग हिजरत करते हैं पिंडी शहर की तरफ। Effects and problems. The urbanization movement has resulted in the sudden increase of the population of the cities. I will show you that the rate of urbanization in your book. A table is shown to you. Hope you may open your books. You may see from here
table that is shown in your book, table 6.2, that shows that the rate of urbanization has increased from 9.8% to 31% in almost in a century. Means एक सदी में 9.8% से 31% increase हो गया, means के 3 times greater हो गया, ठीक है? It has created a lot of social and economical problems. Effects of rising population in quality of life. अब effects क्या हैं? The rising trend in populations has badly disturbed the qualities of life of individuals and community as well. People want the basic civic facilities, the basic demands of food, clothing, and housing that are not properly fulfilled. Masses are deprived of necessities of life due to overpopulation. Per capita income of common man is very low. In most of families, only a single earning member has support of big family. Our population में increase होने की वजह से quality of life में क्या चेंज आ रहा है, बैडली डिस्टर्ब हो जाती है क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी भी एक बंदे की या फिर किसी भी कम्युनिटी की, क्योंकि लोग अच्छी फैसिलिटीज चाहते हैं और उनकी डिमांड्स फॉर फूड्स, खाने पीने की ज़रूरियात, रहने सहने की ज़रूरियात, मींस के डिमांड्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं, मींस के अच्छा खाया जाए, अच्छा पिया जाए, अच्छा खाया जाए, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं मींस के इंसान की डिमांड बढ़ती जाती है, और उसके अलावा जो इनकम है मींस के एक एक ही बंदा कमाने वाला है और वो पूरे फैमिली को सपोर्ट करता है, तो बिग फैमिली को एक सपोर्ट करना वो काफ़ी मुश्किल सा काम है. द इंक्रीज पॉपुलेशन इन सिटीज हैज़ रिजल्टेड इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एकोमोडेशन. पीपल आर बाउंड टू लिव इन स्लम्स एंड कच्ची आबादीज. पीपल आर फोर्स्ड टू लिव इन unhygienic and unhealthy environment where they face congestion and sanitation problem. अब आबादी में इजाफे की वजह से लोगों को ऐसी जगह में रहना पड़ता है, मीन्स के वो एडजस्ट करते हैं, मीन एक जगह बना लेते, शार्टेज ऑफ प्लेसेस, शार्टेज ऑफ अकोमोडेशन, और वो कैसी भी जगह हो वहाँ मजबूरी के तहत वहाँ ही रह लेते हैं, जहाँ पे उन्हें पानी की और उसके अलावा सैनिटेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑन पॉवर्टी. इफ देयर इज एन इंक्रीम इन पॉपुलेशन देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पॉवर्टी, क्या चेंज आएगा इंसानी जिंदगी में. राइजिंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन हैज अफेक्टेड द इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है? Income of majority of people is not sufficient to fulfill their basic needs. No doubt production in every sector is going well, but demand is increasing fastly. ठीक है, अब population में increase जो है वो income of the people वो बहुत सा उसमें effect आया है, क्योंकि जो भी individual कमा रहा है वो उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा. इस बात में कुछ शक नहीं है कि प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो अभी तक हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. इट हैज़ रिजल्टेड टू एक्सपेंसिसनेस. पीपल वर्क डे एंड नाइट टू मीट देयर एक्सपेंसिस, बट आवर पॉपुलेशन हैज़ क्रिएटेड अ कंज्यूमर मार्केट अंडर आइटम्स आर लेस एंड डिमांड इज हाई. अब किसी भी चीज़ की महंगाई इस वजह से भी हो जाती है, मीन्स कि उसकी कीमतों में इजाफा इस वजह से भी हो सकता है कि प्रोडक्शन कम है और उसकी डिमांड रेशियो वो ज़्यादा है. पीपल आर फोर्स्ड टू परचेज आइटम्स एट हाई प्राइसेस. जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू राइजिंग पॉपुलेशन. एज अ रिजल्ट द यूथ इज आउट ऑफ जॉब. वन आर टू पर्सन आर अर्निंग वाइल अ फैमिली इज डिपेंडिंग ऑन देम. अब पॉपुलेशन में इंक्रीज होने की वजह से बहुत सी ज़्यादा लोग मीन बहुत ज़्यादा लोग वो जॉबलेस हैं, जिसकी वजह यह है कि एक या दो घर के मेंबर काम कर रहे होते हैं, बाकी सारे उसी एक फैमिली के, पूरी फैमिली एक या दो बंदों पे वो डिपेंड कर रही होती है. सो बेटा, डैट इज़ योर टूडेज लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टूडेज लेक्चर,
You may ask.